सनावद में नाफेड़ में स्थानीय मूंग खरीदी केंद्र पर किसानों की मूंग की खरीदी में क्वालिटी को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो गया है। इस कारण किसानों और वेयरहाउस प्रबंधक बबलू चौहान और नाफेड़ के गुणवत्ता नियंत्रक धर्मेंद्र खेड़े के बीच विवाद की स्थिति बन गई। इस बीच किसानों की शिकायत पर विधायक सचिन बिल्ला मूंग खरीदी केंद्र पर पहुंचे और नाफेड़ तथा कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों के चर्चा कर किसानों की मूंग खरीदी आरम्भ करवाई। किसानों ने विधायक को बताया कि क्वालिटी के नाम पर चौहान और खेड़े द्वारा किसानों को खरीदी रोक दी गई है और ग्रेडिंग के नाम पर 30 रुपये प्रति क्विंटल किसानों से वसूल किए जा रहे हैं। इसके अलावा मूंग उत्पादक किसान 3 दिन से किराए के वाहनों को अपना मूंग लेकर केंद्र पर खड़े हैं। विधायक के हस्तक्षेप के बाद मूंग की खरीदी पुनः प्रारंभ कराई गई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। तुम्हारे गोडाउन में रखा हुआ है, बता सकता है ना? वो स्टाइल मत बताना है बिल्कुल भी। माल सब तोलो, 30 रुपए जो आप ले रहे हो तोलने के, एक क्विंटल चलेंगे। 30 रुपए लगाएगा, 30 रुपए लगाएगा भैया। ये दो आई भी दो आदमी लगाओ, फिर वो झाड़ू भी लगा रहे। कम करो भैया, गाड़ी भी तुलने सर, एक से तुलेगी। आपसे एक निवेदन है, गाड़ी हर तुलेगी, पर जो ग्रेडिंग जैसा उसको करवाना पड़ेगा सर। आप इनको सर किसान को थोड़ा बताओ। किसान नहीं लाएगा भाई, ग्रेडिंग बारीक मिट्टी है ना सर, बारीक कहाँ है? देखो दो चश्मे तुमको भी लगे, मेरे को भी लगे। मट्टी बताओ उसमें, कितने परसेंट मट्टी? मट्टी मट्टी बताओ उसमें। मूंगे भाई, किसान को परेशान करना, ये मिट्टी बाहर हो रही है। आज किसानों की दिक्कत आई, आपने क्या किया? किसानों का मूंग तोलने की व्यवस्था सरकार ने नेफेड के माध्यम से लगा रखी है। नेफेड के अधिकारी, गोडाउन प्रभारी और कृषि विभाग का एक अधिकारी, तीनों मिलकर इस काम को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। क्योंकि मूंग में थोड़ी मट्टी भी आती है, थोड़े डंठल भी होते हैं, और किसान ये ग्रेडिंग का काम नहीं कर सकता। वो मूंग साफ करके लाता है, उसके बाद भी जब FAQ की बात आती है, औसत अच्छा माल लेने की रोज सरकार के नुमाइंदे, चाहे कृषि मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, रोज बोल रहे हैं। उसके बावजूद अधिकारियों की मनमानी के कारण किसान परेशान होता है। और कई गाड़ियां यहां पर आप देख रहे हो कि मूंगी की गाड़ियां खड़ी है। अभी इनसे बात करी मैंने, खुद ने चलना लगवाया, जिसमें पाया कि 5 गाड़ी में से 4 गाड़ियाँ अच्छी हैं, 1 गाड़ी में थोड़ा सा मट्टी ज़्यादा थी। तो उन 4 गाड़ियों को तुलवाने के निर्देश हम लोगों ने दिए हैं और अधिकारी सब उस पर काम कर रहे हैं। कल आज कृषि विभाग के भी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, इसी कारण उस बाहर गए थे। उनको भी निर्देशित किया कि आप पूरे टाइम जब तक मूंग की खरीदी हो, सुबह के समय से लेकर शाम तक जब तक किसान का मूंग तुल रहा हो, और प्रतिदिन कम से कम 25 वाहन तुलना चाहिए, ये निर्देश भी आज हमने इन सब लोगों को दिए हैं। और कल से व्यवस्था ठीक से होगी, ऐसा मुझे भरोसा है। और प्रत्येक किसान का मूंग समय अवधि में तुलेगा, उचित दाम किसान को मिले, इस भाव को लेकर मूंग की खरीदी सरकार ने चालू की है। कृषि मंत्री जी रोज बोल रहे हैं कि चाहे कैसा भी मूंग हो किसान का, हम लोग तोलेंगे। लेकिन अधिकारी FAQ की बात करके उसको, उन गाड़ियों को खड़ी कराते हैं। उसके लिए भी आज मैंने दिशा निर्देश दिए, और जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी किसानों के लिए मैं यहाँ खुद स्वयं खड़ा रहूंगा। और मूंग किसान का तुलना चाहिए, हम सब लोगों की प्राथमिकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।